तो फाइनली हम हरिद्वार से चल चुके हैं। ऋषिकेश यहाँ से 22 किलोमीटर है और हम जा रहे हैं उत्तरकाशी। बहुत लोग चार धाम की यात्रा में भी जाते हैं और उत्तरकाशी भी जाते हैं, तो यहाँ से अब हमें ये पता चलने वाला है कि आगे तक का रोड कैसा होने वाला है और उत्तरकाशी का जो व्यू है वो कैसा आएगा। और ये जो रोड आप देख रहे हो ये ऋषिकेश की तरफ जा रही है, ऋषिकेश 22 किलोमीटर वहाँ था। और व्यू की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग में व्यू कुछ इस तरीके दिखाई देता है। रोड में तो कोई प्रॉब्लम नज़र आ नहीं रही है, रोड अभी तक तो साफ है, आगे देखते हैं रोड कैसा होने वाला है। गाइस, जो लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं वाया हरिद्वार, उनके लिए यही रूट रहेगा और आगे रूट अलग चला जाएगा केदारनाथ बद्रीनाथ का। तो यहाँ से अभी हम ऋषिकेश की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ से ऋषिकेश 18 किलोमीटर है। देवप्रयाग और बद्रीनाथ केदारनाथ के बोर्ड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रास्ते में। गाइस, यहाँ से ऋषिकेश 15 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 304 किलोमीटर है और अभी हमें चलना ही सीधा ही है। और ये आप व्यू देख सकते हैं गाइस, मॉर्निंग के अभी ना 7:30 हो रखे हैं और व्यू आप देखेंगे ना, व्यू बेहतरीन ही व्यू, अलग ही व्यू आ रहा है। गाइस, ये लेफ्ट का रास्ता है ना जो देहरादून की तरफ जाता है, मतलब आपको ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, देहरादून पोंटा साहिब की तरफ आप जा सकते हो। और जो लोग चार धाम की यात्रा स्टार्ट करते हैं तो वो देहरादून होके ना सबसे पहले वो यमुनोत्री जाएंगे और वहाँ से फिर गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। गाइस, हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ क्योंकि हमें जाना है आगे उत्तरकाशी, तो हमें वाया चंबा होके जाना पड़ेगा। और अभी यहाँ से 12-13 किलोमीटर के आसपास ऋषिकेश है, लेकिन जो सिटी है ना दोनों अटैच है, पता ही नहीं चलता कि ऋषिकेश कब आ गया और हरिद्वार आपका कब ख़त्म हो गया। और रोड अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है और आई थिंक मैं काफ़ी बार गया हुआ हूँ तो ऋषिकेश तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ की मेन यहाँ के फाटक आप रेलवे फाटक है और यहाँ पे मोस्टली ना आपको जाम मिलता है। मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए इतना जाम है नहीं है, अगर आप दिन में या इवनिंग में आते हो ना तो गाइस यहाँ आपको जाम बहुत मिलने वाला है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे और सामने आप देख रहे होंगे गाइस जो पहाड़ों का व्यू है ना यहाँ से आना शुरू हो गया और यहाँ से आपका लेफ्ट में आगे से गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भी आप जा सकते हैं और आप स्टेट भी जा सकते हैं, दोनों ही रूट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। शिवपुरी जाना हो जिनको तो वो यहाँ से लेफ्ट लेंगे, लेकिन गाइस हम जा रहे हैं यहाँ से स्टेट, हम सिटी में होके जाएंगे। हम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे कि सिटी में अगर हम मॉर्निंग में जाते हैं तो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, क्राउड ज़्यादा होता है नहीं होता है, जाम वगैरह लगता है कि नहीं लगता। तो गाइस फाइनली अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से देवप्रयाग लक्ष्मण झूला आप देख सकते हैं कि जिनको लक्ष्मण झूला की तरफ जाना है वो भी यहाँ से यही रूट उनके लिए रहने वाला है। तो गाइस यहाँ से आपको बोर्ड मिल जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ सब जगह के। और अभी हमने ना टिहरी गढ़वाल में एंट्री कर ली है, मतलब जो ये टिहरी गढ़वाल है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और सामने आप पहाड़ों का व्यू तो आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ से ना आपकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी गाइस। अब गाइस हमें यहाँ से ये पता चलने वाला है कि रोड हमारा कैसे होगा, अगर हम बाय रोड जा रहे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा व्यू कैसा आने वाला है और रोड कैसा है। तो व्यू की तो आई थिंक सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको क्योंकि व्यू तो अल्टीमेट ही होने वाला है। मॉर्निंग का व्यू तो अलग ही आएगा, मॉर्निंग और इवनिंग का तो व्यू ही अलग होता है। और ये वाला रोड है, ये अंकल यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं और पहाड़ों का व्यू। और यहाँ से गाइस हम देवभूमि उत्तराखंड में एंट्री कर ली है और यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं गाइस और चलते हैं उत्तरकाशी की तरफ। पहाड़ों में ना एक चीज़ सबसे बढ़िया लगती है कि मतलब ना मैगी वैगी खाना, बहुत सारे लोग ना मैगी लवर होते हैं तो उनको इस रूट पे आई थिंक सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से तो थोड़ी थोड़ी दूर बाद 2-4-5 किलोमीटर के बाद आपको मैगी के पॉइंट या पराठा चाय सब मिल जाएगी। तो गाइस हम थोड़ा सा ऊंचाई पे खड़े हुए देखने के लिए कि ऋषिकेश ऊपर से कैसे दिखता है, तो ये पूरा व्यू जो आप देख रहे हो ना ये पूरा व्यू ऋषिकेश का है और आई थिंक इसके पीछे ही हरिद्वार है। तो ऊपर से देखने से तो ना बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है गाइस, आप देख सकते हैं अल्टीमेट व्यू है, माइंड ब्लोइंग है। मतलब रुक रुक के चले ना आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि हर जगह आप रुक रुक के चले और व्यू का आनंद लें। तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे का रूट कैसा होने वाला है। रोड तो गाइस अभी तक साफ है और मैंने एक भैया से पूछा था कि रोड कैसा है तो उन्होंने बोला रोड में कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लेन जरूर है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको किसी भी तरीके से, ज़्यादा फास्ट ड्राइव मत करना बस, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के व्हीकल आपको मिलेंगे, हैवी व्हीकल भी मिलेंगे। और चार धाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है गाइस तो बहुत सारे आपको श्रद्धालु लोग पब्लिक बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चंबा के बाईपास से, आप लेफ्ट लेके अंदर से जाएंगे, राइट से आप बाईपास निकलेंगे। तो गाइस हम राइट ले रहे हैं ताकि हमें ट्रैफिक ना मिले, तो हम बाईपास से ले चुके हैं। जिनको अंदर से जाने अंदर से भी जा सकते हैं, बाई मिस्टेकन जो अंदर से चले गए हैं वो आगे मिलेंगे, निकलेंगे आगे, एक रूट है जो बाईपास को कनेक्ट करता है। रोड देखते हैं गाइस कैसा होने वाला है, रोड मेरे को अभी तक तो कुछ लगा नहीं कि कहीं से टूटा फूटा है, लेकिन काम चल रहा होगा बीच में क्योंकि चार धाम यात्रा का काम जोरों शोरों पर चला हुआ है। और ये देखें गाइस यहाँ पे ना कमिंग सून, मतलब आपको अगर यहाँ पे लग्जरी विला लेना है तो वो भी ऑप्शन है, नंबर दिया हुआ था पीछे तो जिनको पहाड़ों में रहना है तो उनके लिए, लेकिन ऋषिकेश के लिए था वो नंबर।
अब लगता है हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, और व्यू क्या शानदार व्यू है गाइस। गाड़ी चलाने में ना अलग ही मज़ा आ रहा है, मतलब नॉर्मल हम फ्लैट पे गाड़ी चलाते हैं, और पहाड़ों में गाड़ी चलाने का ना अलग ही मज़ा है। जो जिन लोगों ने पहाड़ों पे आज तक गाड़ी नहीं चलाई ना, वो भी ये इस रूट पे जा सकते हैं। तो ये सामने जो गाइस आपको रूट दिखाई दे रहा है ना, ये अगर आप अंदर से आते तो यहाँ से निकलते हैं। हमने बाईपास पकड़ा था इसलिए हम बाहरी बाहर से निकले हैं, और यहाँ से अब हम चलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि एक पहाड़ ना दूसरे पहाड़ से कनेक्टेड होता है। और ये राइट में आप देखेंगे थोड़ा सा काम चल रहा है, इट्स मीन्स यहाँ से आई थिंक काम होना शुरू हो गया है, क्योंकि रोड ना और ज़्यादा वाइड होने वाला है ये। और ये बस हमारे आगे चल रही है, बाइकर्स भी जा रहे हैं, मतलब आपको पता। और ये व्यू देखिए गाइस, व्यू तो अल्टीमेट ही होने वाला है। तो यहाँ व्यू के चक्कर में गाइस हम रुके हुए हैं, और आप देखिए हवा कितनी तेज़ हवा चल रही है, सब कुछ उड़ रहा है। मतलब हम यहाँ पे रुके थे कि वीडियो बनाएंगे, और हम ना मतलब हमारा फ़ोन भी ऐसा हो रहा है कि वो खाई में जाएगा, तो आई थिंक हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए यहाँ से, इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आंटी के सर से भी कपड़ा बिल्कुल हिल रहा है, मतलब बहुत तेज़ हवा चली हुई है, हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी है, अलग ही मज़ा आ रहा है। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, अप्रोक्स 8:30-9 का टाइम हो रखा है, और अभी हम एक गांव से क्रॉस कर रहे हैं, और बहुत तेज़ हवा है, मतलब आप बाहर रुक नहीं सकते, इतनी तेज़ हवा है। तो गाड़ी में ही हमने सोचा कि नहीं, हम नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी से ही आगे ट्रैवल करेंगे। तो गाइस रूट भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब व्यू आप देखेंगे व्यू भी अच्छा है। रोड में तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, लगा नहीं है कुछ। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हो सकता है हम दूसरे पहाड़ से कनेक्ट होकर फिर जाएं। ये एक और गांव आ चुका है, मतलब गांव आपको मिलते रहेंगे हर 5-7 किलोमीटर के पास। गाइस ये हमें ना पहाड़ों में ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें खाने पीने की कोई चीज़ की दिक्कत रहने वाली है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। और ये देखिए मतलब इस रूट पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, और गंगोत्री यहाँ से ना 236 और न्यू टिहरी यहाँ से 43 किलोमीटर है अभी यहाँ से। व्यू तो गाइज आप देख ही रहे हैं, व्यू तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे ना स्पीड लिमिट भी तय की है, देखिए 20 की स्पीड लिमिट है, लेकिन कोई भी 20 पे चलता नहीं है। और ये देखिए गाइज व्यू जो है, अब हम नीचे की तरफ फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, और साइडों में हम देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पहाड़ आप देख रहे हो ना कटिंग हो रखा है, मतलब यानी कि ये देखिए साइड में देखिए, तो काम चल रहा है आई थिंक धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में हो सकता है और ज़्यादा वाइड रोड हमें यहाँ पर मिले। गाइज जो लोग पहली बार पहाड़ पर गाड़ी चला रहे हैं और इस रूट पर चल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा स्लो चलाएं गाड़ी, अदरवाइज़ रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़क बिल्कुल अच्छी बनी हुई है, गाड़ी की माइलेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या है ना यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाना। ये देखिए गाइस हर कोई इंसान ना यहाँ पे स्पीड में चला रहा है, जो परफेक्ट बंदा है ना वो तो स्पीड में लेके जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है बोर्ड पे क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। और देखिए साइड में पार्किंग गाड़ियों की, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड सा है अभी आज के टाइम में, जब रोड वाइड हो जाएगा तो अलग होगा। और ये देखिए व्यू देखिए सामने पहाड़ देखिए गाइस, अलग ही व्यू आ रहा है। गाइस आज तक ना लोग मतलब मोस्टली क्या है ना हिमाचल साइड जाते हैं, शिमला मनाली कुल्लू मैक्लोडगंज इन्हीं को ज़्यादा, लेकिन अगर मैं व्यू के कंपैरिजन बात करूँ ना, तो आई थिंक उत्तराखंड का जो व्यू है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए गाइस ये अलग है, ये हमने रुक के, मैंने बोला था ना कि रुक रुक के आप थोड़ा सा व्यू लीजिए, रुक के हमने ये देखा, ये भागीरथी नदी है और यहाँ पे इतना पानी है नहीं, अभी बिल्कुल कम है, बिल्कुल स्लो स्लो पानी। और व्यू देखिए गाइस कितना अल्टीमेट, पूरी की पूरी ग्रीनरी है और दूर तक हमें दिखाई दे रहा है, और क्लाउड कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस, व्यू तो अल्टीमेट है। यहाँ पे ना बहुत जगह जैसे पानी है, और आई थिंक माइनिंग का भी काम हो रहा है, जैसे मिट्टी जो होती है वो निकालते हैं। गाइस अगर आप रुक रुक के चलेंगे ना, और नेचर का बिल्कुल ही मज़ा लगाएगा, मतलब व्यू जो आने वाला है। ये आई थिंक यहाँ से रोड ख़राब हो चुका है, काम चल रहा है यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे पहाड़ों की कटाई हो रही है, और यहाँ पे हमें स्लो चलाना पड़ेगा। अभी ये पहला पैच ऐसा है जहाँ पे बहुत मतलब आपको ध्यान से केयरफुली चलना पड़ेगा, बसेस वगैरह भी हैं यहाँ पे, हैवी व्हीकल तो गाइस चल ही रहे हैं यहाँ पे। और अभी आई थिंक हम नीचे ही जा रहे हैं, दूसरे पहाड़ से कनेक्ट होएंगे फिर हम शायद ऊपर जाएंगे। व्यू तो गाइस अलग है, यहाँ से आप सामने पहाड़ देखिए, अलग ही व्यू आ रहा है, अल्टीमेट व्यू है। और यहाँ हमने फिर गाड़ी को रोका है, और ये देखिए गाइस ये पहाड़ क्लाउड, दूर से देखने से ऐसे लगते हैं नहीं, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों के ऊपर ही क्लाउड है। और ये देखिए नीचे ना भागीरथी नदी बह रही है, और सामने आई थिंक पावर प्लांट है। और ये देखिए गाइस व्यू जो है ना अलग ही व्यू है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और मैंने जूम कर दिया, आई थिंक आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी नदी की। और ये सामने जो पावर प्लांट है, आई थिंक यहाँ पे पानी को रोका गया है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। गाड़ी को अगर हम रोक रोक के चलाएंगे ना, और व्यू का अलग ही मज़ा आएगा फिर, क्योंकि चलते रहो फिर व्यू का मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम बार बार स्टॉप कर रहे हैं गाड़ी को, जहाँ भी हमें लगता है कि व्यू अच्छा है वहाँ पे हम गाड़ी को स्टॉप करते हैं।
और ये देखिए गाइस, यहाँ पे ना ये भैया बकरी चरा रहे हैं और ये रोड के बिल्कुल बीचों बीच है। ट्रैफिक को रुकना ही पड़ेगा और यहाँ से अब हम स्लोली स्लोली आगे चलते हैं। और गाइस, यहाँ से उत्तरकाशी मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर रह चुका है और रोड में मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नज़र आई नहीं है। एक दो जगह ठीक है, काम चल रहा है, अदरवाइज़ रोड ओके है, अब जा सकते हो उत्तरकाशी तक। और गाइस, व्यू तो अल्टीमेट होने ही वाला है, थोड़ी जगह काम चल रहा है। ये गाइस, फाइनली हम उत्तरकाशी पहुँच चुके हैं और ये टनल में एंट्री हमने की है। ये उत्तरकाशी से जस्ट पहले ही टनल है, इस टनल से आपको अंदर जाना पड़ेगा। जैसे हम इस टनल को क्रॉस करेंगे, ये देखिए गाइस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ये नैरो रोड शुरू हो जाएगा। अब ये रोड जो है ना, ये गंगोत्री तक ऐसे ही चलने वाला है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं बीच में वाइड हो जाए या ना हो। और अब हम ना उत्तरकाशी में पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना गाइस, ये पूरा व्यू उत्तरकाशी का है। ये गाइस उत्तरकाशी का डैम है और अब हम ऊपर की तरफ हैं तो पूरा उत्तरकाशी कुछ इस तरीके का दिखाई देता है।